Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. In previous class we have discussed about the pleiotropy. Pleiotropy ke bare mein apan ne padha tha ki one or more genes are controlled or express the phenotypic characters. Apan ne padha tha ki ek gene jo hota hai wo bahut sare phenotypic characters ko express karne ke liye control karta hai pleiotropy mein. उससे पहले अपन ने मल्टीपल एलील्स में पढ़ा था. कन्फ्यूजन मत होना, कन्फ्यूज मत होना, कन्फ्यूजन होता है, मल्टीपल एलील्स में है, ठीक है. उसके बाद में प्लियोट्रॉपी है और जो नेक्स्ट है वो अपना है पॉलीजेनिक ट्रेट्स. पॉलीजेनिक ट्रेट्स तो देखो बेटा, ये तीनों एक जैसे ही हैं, सिमिलर तो नहीं है, पर इनका जो मीन है वो थोड़ा एक जैसे ही. मल्टीपल एलील्स में का मतलब है बेटा कि एलील्स हैं वो ज़्यादा हैं, वो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, एक ही कैरेक्टर को. मल्टीपल है एलील्स और वो कंट्रोल कर रहे हैं कैरेक्टर को. प्लियोट्रॉपी में अपन ने पढ़ा कि एक जीन जो होता है वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है. और जो थर्ड है वो है बेटा पॉलीजीन, पॉलीजेनिक ट्रेट्स. ऐसे ट्रेट्स हैं जिनमें जीन्स क्या हैं, ज़्यादा हैं. तो जीन ज़्यादा हैं और वो किसी ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है. जीन क्या है, ज़्यादा हैं, वो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं. और पॉलीजेनिक में ही अपन पढ़ेंगे एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंटल कंडीशंस. जीन्स के साथ साथ ये जो पॉलीजेनिक ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय द एन्वायरमेंट ऑल्सो, ठीक है. तो पॉलीजीन जो होते हैं, सीधा सा अपन इससे मीन से समझते हैं कि पॉली और जीन, बहुत सारे जीन जो होते हैं वो किसी ट्रेट को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं. पॉलीजेनिक ट्रेट्स होते हैं, ठीक है. देखिए भाई, पॉलीजेनिक जो ट्रेट्स थे या जो ये प्रोसेस थी, ये वर्ड जो था, ये फिनोमन थी, ये दिया था गॉल्टन ने. गॉल्टन इन 1883. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वॉज गिवन बाय गॉल्टन इन 1883. ये गॉल्टन ने दिया था इन 1883 में. इन दिस ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय द थ्री और मोर जीन्स. इनमें क्या होता है, जो ट्रेट्स या कैरेक्टर्स हैं वो तीन, दो, उससे ज़्यादा. दो तो अपन ने मल्टीपल एलील्स में पढ़ा था, है ना, फिर पढ़ा था अपन ने प्लियोट्रॉपी में. तो इस तीन से ज़्यादा हो सकते हैं, मल्टीपल, है ना, वो कंट्रोल करते हैं बाय द पॉलीजेनिक ट्रेट्स. जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको तीन या तीन से ज़्यादा, थ्री और मोर जीन्स आर कंट्रोल्ड. द फिनोटाइप इज प्रोड्यूस्ड बाय अ रिजल्ट ऑफ पार्टिसिपेशन. जो फिनोटाइप आता है बेटा पॉलीजेनिक ट्रेट्स में, वो जो है इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय सम एनवायरमेंटल कंडीशंस और बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल जीन्स. द फिनोटाइप इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल जीन्स एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंट एंड इज इट इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. इन्वायरमेंट जो है इसको इन्फ्लुएंस करता है. जीन्स तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो एनवायरमेंट कैरेक्टर्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस करता है. इसलिए इस जो इनहेरिटेंस है उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. और जो कैरेक्टर्स होते हैं या फिनोटाइप जो होता है वो होता है क्वांटिफाइड. वो होता है क्वांटिफाइड एज द कैरेक्टर्स और फिनोटाइप कैन बी क्वांटिफाइड. इन्वायरमेंट इसमें रोल प्ले कर रहा है. इसके लिए ये जो प्रोसेस होती है वो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी अपन इसको जानते हैं या इसको अपन बोलते हैं, ठीक है. एज अ कैरेक्टर जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं क्वांटिफाइड. फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करते हैं तो जो ह्यूमन स्किन कलर होता है, ह्यूमन स्किन कलर, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द मिलेनिन पिगमेंट. मिलेनिन पिगमेंट जो है वो कौन सी स्किन है उनमें ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, ये डिसाइड करता है मिलेनिन. स्किन कलर डिसाइड करता है मिलेनिन, ठीक है. तो इस मिलेनिन की वजह से, जैसे कि मान लीजिए कोई पॉलीजेनिक है या पॉलीजीन्स जो होते हैं वो इस पिगमेंटेशन को कंट्रोल करते हैं, वो होते हैं पॉलीजीन ए, बी एंड सी. ये तीनों जो जीन होते हैं वो स्किन में, ह्यूमन स्किन में मिलेनिन को या जो कलर है उनका, उसको ये डिसाइड करते हैं, ठीक है. अगर बात करते हैं अपन कि कोई पर्सन है विच है ब्लैक और डार्क स्किन, और उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल पॉलीजीन है वो है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी. एलील्स हैं तो दोनों कंट्रोल में रहेंगे, या ट्रेट्स हैं तो दोनों क्या रहेंगे, पेयर्ड रहेंगे, ठीक है. ए ए, बी बी, सी सी, ये क्या है, जो डार्क कलर का पर्सन है, ठीक है,
उसमें पॉलीजीन्स ये है, ठीक है। और जो वाइट कलर का पर्सन है, फीमेल है, जो भी मान लीजिए मेल है कोई भी, वो वाइट कलर या जो लाइट कलर का है उसमें जो पॉलीजीन्स हैं वो है स्मॉल ए, स्मॉल बी बी और स्मॉल सी सी, ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ मैरी करते हैं, अ डार्क कलर पर्सन मैरिड विद द वाइट और लाइट कलर पर्सन फीमेल, देन क्या बनेगा? वही बात है कि इंटरमीडिएट बनता है ना। इंटरमीडिएट क्या बनेगा बेटा? एक तो कैरेक्टर बन जाएगा ए ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। ये जो पॉलीजीन बनता है या जो ट्रेट बनता है इसे अपन कहते हैं मुलेटो। क्या कहेंगे? मुलेटो। इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर, ठीक है, मुलेटो। एक डार्क कलर पर्सन है विद द मैरी, वो मैरी कर रहा है किससे? वाइट कलर या लाइट कलर की फीमेल से। तो जो इंटरमीडिएट जो ऑफस्प्रिंग बनता है इनका, वो बनता है इंटरमीडिएट, जो होता है दोनों का मिक्सचर, मुलेटो, ठीक है। और कुछ एनवायरमेंट कंडीशन भी है इसको क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस करती है। तो ये है बेटा पॉलीजीन, पॉलीजेनिक ट्रेट्स, ठीक है। पॉलीजेनिक ट्रेट्स के बाद में है अपना कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या होते हैं कि कोई भी जीन है, अ जीन कॉम्प्लीमेंट्स द एक्सप्रेशन ऑफ द अनदर जीन्स, मतलब कोई भी जीन है वो किसी अनदर जीन की एक्सप्रेशन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब उसको कंट्रोल कर रहा है, तो वो हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स। रीडिस्कवरी पढ़ रहे थे अपन मेंडल्स लॉ की। तो मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स ऑन 1865। मेंडल ने अपने जो फंक्शन है या जो अपने वर्क है वो कैरेक्टर्स पे करा था, इनहेरिटेंस पे, तो उनको पब्लिश करा दिया था उन्होंने 1865 में। बट सेवरल रीजंस दे इट रिमेन अनरिकोगनाइज्ड, लेकिन कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से वो वाइडली स्प्रेड नहीं हो पाया, अनरिकोगनाइज हो पाया। तो कुछ रीजंस क्या हैं वो देखिए, देखते हैं अपन। उस समय क्या था 1865 में, कम्युनिकेशन वॉज डिफ़िकल्ट, कम्युनिकेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट था, जिसकी वजह से वाइडली पब्लिसाइज नहीं हो पाया, ठीक है। कम्युनिकेशन कम था, बहुत ही डिफ़िकल्ट था, जिसकी वजह से ये जो वर्क था उनका इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स उसको वाइडली पब्लिसाइज नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो अनरिकोगनाइज रहा 1900 तक, ठीक है। फिर है इन्होंने बताया क्या कि जो एलील्स होते हैं वो एक साथ रहते हैं और एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं, लेकिन एक साथ होने के बाद भी डिडंट ब्लेंड, वो मिक्स नहीं हो पाते हैं, वो मिक्स नहीं होते हैं, इनके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो ये जो कैरेक्टर था या जो इस रीज़न था वो अनअसेप्टेबल रहा। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो प्रोसेस था उसमें मैथमेटिक्स और बायोलॉजी जो कि नई थी उस दौरान, तो ये अनअसेप्टेबल रहा कि बायोलॉजी और मैथ्स है उसको आप प्रोसेस में काम में ले रहे हैं, ये भी अनअसेप्टेबल था। उसके बाद में उन्होंने बताया कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं था उनके पास, जो फैक्टर्स उन्होंने बताए थे कि कंट्रोल करता है कैरेक्टर्स कोई फैक्टर होता है, तो उस फैक्टर का कोई भी फिजिकल प्रूफ उनके पास नहीं था, और ना ही फैक्टर की लोकेशन थी कि सेल में फैक्टर जो हैं वो कहाँ लोकेट होते हैं, ये भी उन्होंने नहीं बता। इसलिए ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से 1865 में पब्लिश कराने के बाद भी उनका जो एक्सपेरिमेंट है या उनका जो वर्क है वो 1900 तक क्या रहा, अनरिकॉग्नाइज्ड। उसके बाद में कुछ नए साइंटिस्ट थे, है ना, बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने इस मेंडल को रीडिस्कवर करा, जो फंक्शंस थे इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स के वर्क थे उनको रीडिस्कवर करा, उनमें ह्यूगो डी व्रीज, ठीक है, कॉरिन्स और वॉन टेशमार्क, तीन साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1900 में ह्यूगो डी व्रीज, कॉरिन्स और वॉन टेशमार्क, उन्होंने रीडिस्कवर करा मेंडल्स के इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स को, ठीक है। अब उस दौरान 1900 में ड्यू टू माइक्रोस्कोपी, उन्होंने माइक्रोस्कोपी को यूज़ करा जिसकी वजह से उन्होंने सेल डिवीजन को आसानी से ऑब्जर्व करा। सेल डिवीजन उनको आसानी से ऑब्जर्व हो रहा था, तो उन्होंने बताया कि सेल डिवीजन में फैक्टर्स कहाँ हैं, वो कैसे डिवाइड हो रहे हैं, है ना, उनकी लोकेशन कहाँ है, ये सब उन्होंने बताया, जिसकी वजह से ये जो वजह थी ना कि उन्होंने सेल डिवीजन को माइक्रोस्कोपी से शो करवाया, जिसकी वजह से दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम, जिसकी वजह से डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हो पाया 1900 में ही। क्रोमोसोम जो ये फैक्टर्स जो थे उनको ही उन्होंने नाम दिया क्रोमोसोम और जीन्स,
जो भी किसी भी कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस या कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये रीडिस्कवरी थी मेंडल्स लॉ की। इसके बाद जो है अपन क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जिन्होंने बताया कि भाई ये जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं इनके पीछे क्या है, जीन्स है या क्रोमोसोम्स है। तो इनहेरिटेंस किसकी हो रही है, जीन्स हैं या क्रोमोसोम्स हैं उनकी, जिसकी वजह से ही जो है कैरेक्टर्स हैं वो एक्सप्रेस्ड हो पाते हैं। ये पढ़ेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।